हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर? ऑलरेडी डिड यू नो अबाउट दैट? नो? यस? ओ मे बी और यस और नॉट, बट आई विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, यू शुड कंपल्सरी मेक लास्ट पैरामीटर एज डिफॉल्ट। ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बहुत चलता हूँ, आप इसमें जाइए। फर्स्ट आप सोचिए कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है आपका। सुनिए, सपोज करो आपको ना यूजर से मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले एक प्रोग्राम में आपका एक फंक्शन बनाता हूँ, आपका फंक्शन डिफाइन करता हूँ, उसमें लगता आपका यूजर इन्फो और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज, बस ये काफी है। ओके इनफ दैट। सपोज करो मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ये यूजर में 3 आर्गुमेंट पास कर रही है आपकी, पैरामीटर्स हैं इस समय बाय डिफॉल्ट। अब मैं इनको प्रिंट कैसे करवाऊंगा? सिंपल, प्रिंट लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एफ इन फर्स्ट नेम एल इन लास्ट नेम एंड एज, ये होगा आपका प्रिंट डेफिनेटली। ओके, एंड अब मैं इसको कॉल कराऊंगा तो ही ये प्रिंट होगा। अब मैं इसको कॉल कराऊंगा तो ही ये प्रिंट होगा। कैसे? सिंपल, यूजर इन्फो टाइप करना है और इसके अंदर आपको फर्स्ट नेम पास करना है। जैसे सपोज करो मैंने दिया आपका फर्स्ट नेम हरीश एंड लास्ट नेम इज अ ओझा एंड एज इज 26। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हरीश ओझा एंड 26 एज है आपका। तो इसमें जब मैं इसको रन करता हूं नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, ये देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिल्कुल भी, और आनी भी नहीं चाहिए बिकॉज सिंपल आप जानते हैं इस बात को। देखिए अब मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं क्या। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं है ये वाले। ये डिफॉल्ट पैरामीटर कब होंगे? जब हम फंक्शन की साइड से इन पैरामीटर्स को वैल्यूज असाइन करते हैं, इन पैरामीटर्स को वैल्यूज असाइन करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सुनिए देखिए, मैंने बोला कि मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो पास कर दूंगा बट मैं एज पास नहीं करना चाहता, मैं एज को शो ही नहीं करना चाहता, मैं बताना नहीं चाहता कि एज है, कि एज है, मैं बताना नहीं चाहता आपका। कि अगर सामने वाला बोलता है कि एज को शो करो तो आप सीधे बोल दो नो एज यानी नन, सिंपल बोलो आपका। जब मैं इसको रन कराऊंगा, जब मैं इसको सिंपली रन कराऊंगा, अभी तो नन आएगा नहीं, अभी सिर्फ ओनली 26 प्रिंट होगा आपका। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 प्रिंट हुआ है। ओके, बट मैं जब पास नहीं करूंगा आर्ग्यूमेंट, जब मेरे को एज पास ही नहीं करना है तो वो बोलेगा आपसे कि एज यूजर ने एंटर की ही नहीं है आपका। तो आपका देखो नन आया आपका। अगर आप चाहते हैं थोड़ा कंफ्यूजन भरा है तो मैं इसको फर्स्ट नेम यहाँ पे इसको एफ स्ट्रिंग की हेल्प से लिखता हूं। कैसे? देखना, फर्स्ट नेम ओके फिर कॉमा करके लास्ट नेम ओके फिर कॉमा करके एंड एज, ये एज के अंदर पास कर दिया। अब देखिए अब थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में इसका। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सर ब्रैकेट से प्रॉब्लम है। नो कोट, सिंगल कोट मैंने बंद नहीं किया था। ओके, ये देखिए फर्स्ट नेम इज हरीश, लास्ट नेम इज ओझा एंड एज इज नन, क्योंकि हमने एज पास ही नहीं किया उसके बिल्कुल भी। अब सपोज करो मैं फर्स्ट नेम पास कर दूं, ओनली सिर्फ ना लास्ट नेम पास ना करूं, तो ये भी ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। अब आप लोग कहोगे सर कि ना, हाँ मैं पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं इसको भी डिफॉल्ट बनाने जा रहा हूँ। डिफॉल्ट कैसे? इनको मैं डिफॉल्ट में दे रहा हूँ आपका। कोई भी हो, कोई बंदा है, वो किस कास्ट का होना चाहिए? मैंने बोला आपका मतलब उसकी लास्ट नेम हमेशा जो है शर्मा। मैं शर्मा ही, जितने शर्मा है मैं उन्हीं को एंटर करना चाहता हूँ, जितने शर्मा है ती मैं उन्हीं को ही एंटर करना चाहता हूँ। तो देखिए आप, मैं पास नहीं करूँ इसके अंदर। ओके, आप समझ रहे हैं, यानी डिफॉल्ट पैरामीटर आप पास नहीं करो तो काम चल जाएगा, बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, क्योंकि अंदर बाय डिफॉल्ट शर्मा में डाल दिए मैंने उसके अंदर। ये देखिए मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर शर्मा डाल रखा है और एज के अंदर नन डाल रखा है। अगर आप वैल्यू भी पास नहीं करोगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही उठा लेगा, तभी तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपके, यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं। ओके, समझ रहे? फर्स्ट नेम तो मैंने डाल दिया था आपका हरीश, पास कर दिया था, बट मैं पास करना क्या भूल गया, मैं लास्ट नेम एंड एज, तो बाय डिफॉल्ट इसने उठा लिया आपका। अब आप लोग कहोगे नन क्या है, तो नन का बता चाहूंगा कि नन एक ना स्पेशल वैल्यू है आपका, यानी कि स्पेशल वैल्यू क्या, हालांकि पायथन जो डेवलपर ने बोला कि कोई बंदा बोलना चाहता है कि मेरे पास क्या है,
उसने बोला मेरे पास एक है, दो है, तीन है, चार है। अगला व्यक्ति बोलता है सर मेरे पास जीरो है, मेरे पास जीरो है। तो ये कन्फ्यूजन बढ़ा था आपका, यानी कि जीरो है इसका मतलब कुछ नहीं है, जीरो है इसका मतलब कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन है तो उसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसने बोला सर मेरे पास है ना जीरो है मेरे पास। तो इनसे बचने के लिए उनने एक और आर्गुमेंट बताया ये नन। नन मीन्स होता है आपका कि ना उसका जीरो है ना उसका कोई वैल्यू है, नन मतलब है ही नहीं है बिल्कुल भी आपका। खैर ये मेरी थिंकिंग है, आप इस पर जाइए मत, ये मेरे विचार से ऐसा है, ठीक है। आप बस थोड़ा गौर कीजिए कि नन इसे पाइथन में इंक्लूड किया गया था आपका, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, आपका कुछ दिया ही नहीं गया इसके अंदर, आप समझ रहे हैं। ऐसा तो बस मैंने अंदाज लगाया आपको बताया कि एग्जाम्पल के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए मैंने इस वक्त कहा कि मैं लास्ट नेम को डिफॉल्ट रहने देता हूं बट एज में पास करूंगा, तो हुआ क्या, देखो अब होना क्या है, एरर होना क्या है, एरर, बिकॉज वो बोला नन डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कौन से, ये एफ एन और एज, ये नन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो वो नन डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो एज ही है ना, एज, तो यहाँ पे किस नन डिफॉल्ट आर्गुमेंट की बात करें, कौन से, ये बात करें एज की, ना कि एफ एन की। एफ एन तो अपनी पोजिशन पे सही है लेकिन एज अपनी पोजिशन पे सही नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बाद कभी भी नन डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं आता। आपको मैं एक बता दूं, हमेशा उसकी पोजिशन पहले यानी बिफोर होगी, किससे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के पहले। आप समझ गए इस बात को, आके वरना ये एरर आपका सामान का सामना करना पड़ेगा एरर का आपका, ठीक है। अब ये तो हो गई आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, इस तरह से आप पास कर सकते हैं। ऐसे कई और वैल्यू इसी तरह अपन बोलते हैं इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कैसे वर्क करेगा आपका। तो आप वैल्यू पास भी ना करें, आप ये करें या ना करें, आप ना अगर पैरामीटर में यानी डिफॉल्ट पैरामीटर में वैल्यू पास कर दें तो बाय डिफॉल्ट पूरी वैल्यू उठा लेकर। जैसे फर्स्ट नेम में मैंने पास भी कर दिया आपका हरी, ओनली हरी, हरी शर्मा, और मैं कुछ पास नहीं कर रहा, इसको मैंने सिंपल ब्लैंक ब्लैंक फंक्शन मैंने कॉल कराया, तो देखो बाय डिफॉल्ट पूरा सब कुछ आउटपुट आ जाएगा आपका। आप देख रहे हैं कि एज भी आपका नन आ गया, एलन शर्मा आ गया, देख रहे हैं आपका, और हरी आपका फर्स्ट नेम आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ओके तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे वर्क करता है, और ये लाइन भी देख लीजिए, यू शुड कंपल्सरी मेक लास्ट पैरामीटर एज डिफॉल्ट। देखो लास्ट पैरामीटर आपको एज डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, ये लाइन तभी तो मैंने बोला आपसे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफी, अगर आपको समझ में नहीं आई बिल्कुल भी तो आप कमेंट बॉक्स से मेरे से कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। ओके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बस आज के लिए इतना ही काफी है। ओके गुड बाय।